लोगों को रिपीटेडली ये बातें बतानी चाहिए ताकि उनकी हैबिट्स के अंदर ये चीज आए, जिस दिन उनके समझ में आ जाएगी उस दिन सब लोग जो है ट्रांसपेरेंट का यूज बंद कर लेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि बाजार में कितनी खराब चीज मिल रही हो, अगर हमने सोच लिया कि हमें नहीं खरीदनी, हमें यूज नहीं करनी, कितने दिन शेल्फ में रखेंगे सर? दे हैव टू चेंज देमसेल्फ्स। उपभोक्ता को अपनी ताकत को समझना चाहिए। नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने जो हमने दो जो एपिसोड्स किए थे डॉक्टर ओपी वर्मा जी के साथ, जिसके बारे में जिसमें हमने ये जानकारी ली कि फ्लेक्सिड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके साथ ही जो मैंने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी जो डिनर प्लेट के साथ मैंने आपके साथ आपके सामने रखा था, उम्मीद है कि उससे आपको जानकारी मिली होगी। आज डॉक्टर ओपी वर्मा हमारे साथ फिर स्टूडियो में शामिल हैं और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो है फैट्स के ऊपर। फैट्स को हम लोग अक्सर अलग अलग तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की पूरी जानकारी और कौन से अच्छे फैट्स हैं, कौन से खराब फैट्स हैं, उसके बारे में आज हम डॉक्टर वर्मा जी से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सो सर, शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि फैट सब लोग जानते हैं कि फैट जनरली क्या है, उसको हम लोग मोटापे से एसोसिएट करके ज्यादा समझते हैं, या हम जो घी तेल और इन सब चीजों को, ये है एक मोटा मोटा समझ। आपके हिसाब से सर, आप बताइए कि फैट क्या चीज है, कौन से सही फैट है, कौन से खराब फैट है, इसको कैसे एक आम जो है आदमी समझे? जी सर, एक्चुअली में फैट हमारे फूड का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। फूड के एलिमेंट्स होते हैं, 6-7 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, कुछ आजकल तो कुछ फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को भी इसमें शामिल कर लिया है। और फैट मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फूड का, हालांकि साइंस प्रोटीन को मानती है और इसीलिए प्रोटीन का नाम प्रोटीन रखा है। प्रोटीन का मतलब होता है कि मैं पहले हूं। तो हमारी डॉक्टर जोहाना बडविंग ने तो यही कहा था कि ये जो फैट है वो सबसे वाइटल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो प्रोटीन नाम है ये तो फैट्स को मिलना चाहिए था। और इसका जो फैट्स का जो बेसिक कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड, जिससे प्रोटीन के कंपोनेंट है अमाइनो एसिड्स। उसी तरीके से फैट के कंपोनेंट है फैटी एसिड। तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें क्या होता है, उसमें एक ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है और उससे तीन जो है अटैच रहते हैं फैटी एसिड्स। ओके, मतलब एक ट्राइग्लिसराइड में तीन फैटी एसिड्स अटैच रहते हैं। सो ये ट्राइग्लिसराइड हुआ, ठीक है, सिंपल इतना काफी है। अब जो फैट है, फैटी एसिड्स है बेसिकली, इसमें जो है कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो उसमें मतलब 2 से लेकर 28 तक कार्बन हो सकते हैं। और उसमें जो है ऊपर और नीचे जो है हाइड्रोजन लगे होते हैं, कुछ जगह को छोड़ के कुछ फैट्स में। तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई फैटी एसिड की। अब जो है इसको कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले तो सर इसमें जो है कार्बन चेन की लेंथ के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें आते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, फिर आते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मतलब शॉर्ट चेन फैटी एसिड में जो है 2 से और मेरे ख्याल से 6 कार्बन का एक फैट होगा, छोटा होगा। ओके, और ये नॉर्मली हमारे गट में ही बनते हैं, और ये जो सोल्युबल फाइबर कंज्यूम करते हैं तो सोल्युबल फाइबर के फर्मेंटेशन से जो प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स में वो इसको फर्मेंट करते हैं और उससे ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर मेरे ख्याल से अभी बहुत रिसर्च की भी जरूरत है और हो भी रही है। तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हो गए। फिर आते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जिसमें लॉरिक एसिड वगैरह होते हैं, मेनली आपके ये कोकोनट ऑयल मिलता है, तो ये बहुत हेल्दी है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलते हैं, ह्यूमन मिल्क में। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल है, तो जो इन्फेंट होता है, जो फीटस होता है, और जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको ये जो है इन्फेक्शन से प्रमोट कर प्रोटेक्ट करते हैं। ये एंटीवायरल भी होते हैं, ये आपके स्किन और उसके लिए भी अच्छे हैं, वेट को भी मैनेज करते हैं, थायराइड में बहुत
अच्छा इम्पैक्ट इनका देखने को मिला है मीडियम चेन फैटी एसिड का, तो दीज आर द मोस्ट हेल्दी फैटी एसिड्स. मतलब मेरे ख्याल से फॉर कुकिंग द बेस्ट फैट इज कोकोनट फैट. हालांकि ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, तो मतलब हम फैट को सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, वो बस मतलब ऊपरी बात है, तो अंदर की बात हम कर रहे हैं. फिर आते हैं सर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. लॉन्ग चेन में हमारे अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, जिनकी हम उस दिन भी बात करते हैं, जो अलसी में काफी मात्रा में होते हैं. फिर आपके जो है फिश में पाए जाने वाले EPA DHA भी उसमें आ जाते हैं, लिनोलिक एसिड भी आ जाता है जो ओमेगा 6 फैट है. ये सारे मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. फिर होते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मतलब ये इसमें 24 से ज्यादा कार्बन होते हैं. इसमें भी काफी काफी रिसर्च चल रही है और रिसर्च की जरूरत है. ये भी आपके मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन में, आपके जो माइलिन शीथ बनती है, जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स की नर्व्स की जो कवरिंग बनती है, उसके लिए, रेटाइना के लिए, ब्रेन के कई सारे फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है सर, एक तो ये हो गया. फिर हम इसको, इसमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो डबल बॉन्ड अभी मैं बता दूंगा क्या होता है. तो जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी जिसमें जितने भी कार्बन है वो सारे सैचुरेटेड है विद हाइड्रोजन्स. ये हो गया आपका मतलब सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड, यस. सैचुरेटेड फैट में आपको पता ही सर, आपका आ गया घी, घी आ गया, बटर आ गया, ये उसमें सैचुरेटेड फैट. अब अगर मान लो उसमें एक डबल बॉन्ड है, वो हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, उसमें आपके ये ग्राउंडनट ऑयल, सीसेमी ऑयल, आपका सरसों का तेल भी उसमें आ जाता है, तो ये इसमें आ जाते हैं. और फिर होते हैं अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो वो हो गया आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे. इसमें आपके जो है वो अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड वगैरह आ जाएंगे, EPA DHA ये सारे इसमें आ जाएंगे. मतलब तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया सर. दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ कि डबल बॉन्ड आपका किस जगह पर है. अब अगर मान लो पहला डबल बॉन्ड फ्रॉम ओमेगा, पीछे से चलता है, ओमेगा से तीसरे कार्बन के बाद में फॉर्म होता है, तो वो फैटी एसिड कहलाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड. अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मछली में पाए जाने वाले EPA DHA वो इसमें आ जाएंगे. अगर पहला डबल बॉन्ड 6th कार्बन के बाद बनता है, तो वो कहलाएगा ओमेगा 6 फैटी एसिड. ओके, और अगर 9th कार्बन के बाद बनता है, तो वो कहलाएगा ओमेगा 9 फैटी एसिड. ठीक है सर, तो ये ओमेगा के हिसाब से, मतलब उसकी लोकेशन के हिसाब से ये उसका क्लासिफिकेशन हुआ. ठीक है, फिर जो फैट्स हैं वो कुछ फैट्स असेंशियल माने गए हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते. तो दो फैट्स हैं, सिर्फ दो फैट्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते हैं, वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो एक ओमेगा 3 फैट है, और लिनोलिक एसिड जो एक ओमेगा 6 फैट है. और ये दोनों फैटी एसिड्स अलसी के कोल्ड प्रेस तेल में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, चिया सीड में मिल जाते हैं, और आपके वो गांजे के सीड्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी हेम्प सीड्स हैं, हेम्प सीड्स, हेम्प सीड में, हेम्प सीड में भी ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं डेफिनेटली. अखरोट में आपके में भी मतलब अच्छे होते हैं. तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया. अब सर आप वही ट्रांसफैट की बात कर रहे थे, तो ट्रांसफैट बेसिकली क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रांसफैट जो है एक मैन मेड फैट है.
ये मानव द्वारा बनाया गया फैट है जो फैक्ट्री में तैयार होता है, और ये जो है फैट्स को पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स को, खासतौर से मतलब ऑयल ही होगा, पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके और उसको हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है कि ऑयल्स को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, वहां पे निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास की जाती है, और उससे क्या होता है कि वो जो अनसेचुरेटेड कार्बन हैं वो सेचुरेट होने लगते हैं, मतलब जो है वो सेचुरेटेड फैट बनने लगता है और वो सॉलिड होने लगता है। अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो जो फैट तैयार होगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा, जस्ट लाइक कैंडल, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग और बेकिंग, वो किसी काम का नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये उसको बीच में ही रोक देते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिससे जो फैट तैयार होता है वो जस्ट लाइक बटर होता है। अगर थोड़ा और कम करेंगे तो वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के रूप में भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो वो एक बटर के रूप में रहेगा। ठीक है सर, तो मतलब ये हो गया आपका ट्रांसफैट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, मार्जरीन, वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स, ये दो चीजें हैं, मैं बताता हूं आपको इनमें क्या फर्क है। मार्जरीन और वेजिटेबल शॉर्टनिंग में वही फर्क है जो आपके बटर और घी में है। ठीक है, बटर घी में क्या फर्क है, बटर में जो है हम जो काऊ का जो फैट होता है उसमें उसमें थोड़ा मॉइस्चर मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एकदम से मेल्ट नहीं होता और वो बेकिंग के लिए बड़ा सुटेबल रहता है। तो हमारे यहाँ जो डालडा आता था वो था वेजिटेबल शॉर्टनिंग, जो मार्जरीन है वो बेकरी वगैरह में यूज होता है, क्योंकि वो बेकिंग करते हैं, बेकिंग के लिए जो है वो मॉइस्चर वाला मतलब बटर का जो ऑल्टरनेटिव है वो उसके लिए ज्यादा सुटेबल है। अब जो टेक्निकली जो अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, जब इन फैट्स को गर्म किया जाता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स को, तो कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन के हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, एक ऊपर का हो जाता है एक नीचे का हो जाता है। जैसे दो कार्बन है तो उनमें ऊपर और नीचे हाइड्रोजन फिक्स होता है, तो एक ऊपर का निकल गया, एक नीचे का निकल गया, एक ऊपर का निकल गया, मतलब उनका जो हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट है वो ट्रांस हो जाता है। नेचुरल फैट्स में वो सिस रहता है, नॉर्मल रहता है। अब ये तो इनका अरेंजमेंट चेंज होता है, जो ट्रांस फैट जब बनता है तो वो फैट सर बेंड नहीं होते, उनमें हल्का सा उस जगह किंक आता है, बट दे डोंट बेंड, बेंड नहीं होंगे तो बड़े कॉम्पैक्टली पैक हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, और उनमें वो डीलोकलाइज्ड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जो अच्छे और बुरे फैट्स में जो फर्क है वो यही है, इन इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, बाकी सब वही होगा। केमिकली आप देखेंगे तो सेम फॉर्मूला भी बनेगा, उनमें डबल बॉन्ड भी होंगे, सब कुछ होगा, बट वो बैंड नहीं होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है सर, अब यहां मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप बायोकेमिस्ट्री में तो कहीं भी देख लो ट्रांसफैट की डेफिनेशन आएगी, सब कुछ बताएंगे कि हाँ वो जो है उसमें जो है एक ऊपर का अलग होगा एक नीचे का अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं करता। ठीक है, ये बात हो गई, तो ये तो ट्रांस फैट का हो गया। ठीक है सर, अब मैं आपको बताऊं कि ट्रांस फैट जो है ये कैसे हमें खिलाए जाने लगे और ये हाइड्रोजनेशन क्यों शुरू हुआ, किसने किया और इसकी क्या जरूरत थी। तो कहानी यह है सर कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो गया था, सारे देश तरक्की कर रहे थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फूड प्रोडक्शन कंपनियां पैसा कमाना चाहती थी। अब उनके सामने जो समस्या थी, मेन समस्या थी, वो थी कि जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है जो सस्ते हुआ करते थे उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो जल्दी रेंसिड हो जाते हैं, और ये उनकी उनकी क्वालिफिकेशन है, एक्चुअली में ये उनकी खूबी है कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं।
ये उनकी क्वालिटी है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा था, वो उससे यूज नहीं कर सकते। बटर कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो उसमें क्या है कि वो कॉस्टली पड़ता था। धीरे धीरे सब लोग जो है एक ही बात बोलने लगे, और तभी से ये सैचुरेटेड फैट को बदनाम करने की सिलसिला चला कि ये जो बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो कोरोनरी में जो ये प्लाक्स ब्लॉकेज आ रहे हैं, प्लाक्स डेवलप हो रहे हैं, ये सब सैचुरेटेड फैट खाने से हो रहे हैं। और ये सारा सिलसिला साल, दो साल, दस साल नहीं, पूरी एक सेंचुरी तक चला। लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई, बीमार हुए। मैं तो सर आपसे पूछता हूँ कि वो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, वो खाना हमारा मौलिक अधिकार है। उनको आप हमसे बिना पूछे हमारी डाइट से अलग कर दिया और हमारे लाखों करोड़ों लोग मरे। वो कैंसर हुआ, टाइप 2 डायबिटीज हुई, हार्ट प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सर हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, किसको सजा मिलनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बडविंग ने यही बात की थी, उसने विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबको बताया था कि ये नुकसानदायक फैट है, इनको बंद करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। डॉक्टर बडवी की बात नहीं सुनी, प्रोफेसर कमेरा भी थे, उनकी भी बात नहीं सुनी, और ये आवाजें उठती रही, लेकिन FDA जो है वो एक सेंचुरी तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहा, और फिर लास्ट में जा करके वो अब जागा है। 2003 में मेरे ख्याल से डेनमार्क में बैन हो गए हैं ट्रांसफैट। मेरे ख्याल से 2015 में अमेरिका में भी बैन हो चुके हैं, प्रक्रिया चल रही है। तो अब FDA भी यही कहती है कि हाँ सर, जो है जो ट्रांसफैट हैं वो तो किसी भी अमाउंट में, ये तो टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, और वो जो ये कैटेगरी होती है ना ग्रास, जनरली रिकॉग्नाइज्ड सेफ, उस कैटेगरी से जो ट्रांसफैट को हटा दिया है, तो ये इसका हुआ है। तो ये इतना सारा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है सर। तो ये प्रॉब्लम की कहानी है। जैसे आपने बताया कि अक्सर जो इंडिया में जो दो ब्रांड जो सबसे ज्यादा चलते थे इसके अराउंड, एक तो रथ वनस्पति चलता था और एक डालडा चलता, तो ये दो जो हैं काफी ज्यादा चलते थे, अभी भी हालांकि मार्केट में शेल्फ में हमें मिल जाते हैं, रथ और डालडा दोनों भी शेल्फ पे अभी भी मिलते हैं। तो आपकी बात सही है कि ये धीरे धीरे, दिक्कत ये है कि भारत के अंदर जो है ये समझ थोड़ी लेट आती है, ये एक्शन थोड़े लेट होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग थोड़ा लेट सीखते हैं इन चीजों से, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें हमें खुद को इस चीज की सही जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि मार्केट में कौन से ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ट्रांसफैट होता है। हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो आजकल लिखने लग गए हैं, जीरो ट्रांसफैट लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें, कौन से ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो हम शेल्फ्स पे मार्केट में हमें मिलते हैं, जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जिनके अंदर ट्रांसफैट होता है। एक बार सर उस जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है CAC, उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए थे और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सारे ब्रांड्स में जो है ट्रांसफैट पाया गया था। आई थिंक 20-22% तक मिला, वो वीडियोस चलते रहे काफी दिनों तक, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। हालांकि मेरे ख्याल से इनको बैन करने की प्रक्रिया चल रही है इंडिया में भी, मेरे ख्याल से शायद जल्दी इंडिया में भी ये बैन हो जाएंगे। तो ये मतलब अब दूसरी बात ये कि इसके बाद क्या करेंगे, मतलब ये तो कर नहीं सकते कि ये वापस बटर और घी को यूज करेंगे या कोकोनट ऑयल को यूज करेंगे, ये करेंगे तो कोई सस्ती चीज है। दूसरा आपने पूछा कि कहाँ कहाँ अपने को ये मिलते हैं, सर मैं आपसे पूछूं कहाँ नहीं मिलते हैं, सारे फास्ट फूड्स में, पिज्जा हो, बर्गर हो, और जो मतलब जो भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं सारे, एवरी पेस्ट्रीज हैं, सब में मिलता है। और अब ये आप बस समझिए कि पिज्जा बर्गर में है तो फिर कचौड़ी समोसे में नहीं है, उनमें भी उतना ही है, उनमें ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें जो है फैट्स को रीयूज किया जा रहा है, उससे उनको नुकसान अलग ज्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि पिज्जा बर्गर को मैं ऑयल को रीयूज नहीं किया जा रहा। तो इंडियन फास्ट फूड
कन्फेक्शनरीज, बच्चों की चॉकलेट, टॉफी, सकर्स, सब में भरपूर ट्रांस फैट है। आपके स्नैक फूड्स, इंस्टेंट नूडल्स, पोटेटो चिप्स, कुल मिला के बाजार की हर चीज में है। और जिन घरों में रिफाइंड ऑयल्स आ रहे हैं, भले वनस्पति लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उनमें भी है। आप घी खरीद रहे हैं तो वो भी एडल्ट्रेटेड है, तो उसमें भी ट्रांस फैट होगा। सब जगह ट्रांस फैट है और हमें इससे बचना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, मैं इनफैक्ट पूछने वाला था, आपने वो बात बता भी दी, वो ये कि मतलब जनरली ज्यादातर घरों में अभी ठीक है, हम लोग ये वनस्पति घी इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं, लेकिन हाँ रिफाइंड तेल अभी भी भरपूर मात्रा में कॉमन घरों में इस्तेमाल होता है। तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा कि जो रिफाइंड तेल है उनको भी जब हम तेज आग पे उबालते हैं या तलने में इस्तेमाल करते हैं, तो जो हम अक्सर कहते हैं कि घर पे हमने स्नैक्स बनाए हैं या घर के स्नैक्स हैं, तो उसके अंदर भी बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस जिसके अंदर ये बहुत तेज हीट पे जो ये गर्म होता है, रिफाइंड तेल गर्म होते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रांस फैट बन जाते हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने बताया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जी जी एक्चुअली में क्या है ना सर, जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, तो पहली बात तो उसमें क्या है कि 75% एडल्ट्रेशन है, मतलब आप सरसों का तेल खरीद रहे हैं रिफाइंड ऑयल, तो उसमें 75% तो एडल्ट्रेशन होगा, किसी भी ऑयल का होगा, पाम ऑयल का होगा, आर्जिमोन ऑयल का होगा, इधर उधर के कुछ होंगे रिफाइंड ऑयल्स होंगे, और 25% आपको उसमें मिल जाएगा। अब रिफाइंड का जो प्रोसेस है, इसमें भी सर जो है 3-4 बार फैट्स को गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर गर्म किया जाता है, तो ट्रांसफैट उसमें बन ही जाते हैं, और फिर हम उसको घर लाके उसमें डीप फ्राइंग और करते हैं, तो उसमें और ज्यादा ट्रांसफैट बनते हैं। तो ये तो जब तक हम सब लोग उसके नहीं आ जाएंगे, हम ऐसा मानस नहीं बना रहेंगे कि हाँ हमें अगर थोड़ी छोटी मोटी स्टर फ्राइंग है तो उसके लिए हम कोल्ड प्रेस ऑयल ले लें, डीप फ्राई करना है तो कोकोनट ऑयल में करें, दैट्स द बेस्ट फूड फॉर कुकिंग। एयर फ्रायर का यूज करें, हल्का सा स्प्रे कर दिया बाद में। तो हमें हमें कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे, वरना हम कैसे बचेंगे। तो जो दूसरे जो बाकी जो हमारे कॉमन यूजेस के जो ऑयल्स हैं, जैसे सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल्स लेते हैं, अगर हमें कोल्ड प्रेस ऑयल मिल जाते हैं कच्ची घानी के जिनको हम बोल सकते हैं, या जो वुड प्रेस भी आते हैं, तो अगर इस तरह के अगर ऑयल्स मिलते हैं तो आपका क्या मानना है कि इस तरह के ऑयल्स अगर सीमित मात्रा में हम घर में इस्तेमाल करें या तलने वगैरह में इस्तेमाल करें तो क्या ये ठीक है, या उसके अंदर कोई सावधानी या सुझाव आप देना चाहेंगे। सर मैं बताऊं आपको, मैंने आपसे अभी अभी जिक्र किया कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के नाम से बिक रहे हैं ऑयल्स, उनमें भी 75% एडल्ट्रेशन है, 50% गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी, 25% अपनी तरफ से कर देते हैं। मेरे ख्याल से हम कम ऑयल काम में लें लेकिन अच्छा तेल काम में लें। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। या अपन एक छोटा सा ऑयल एक्सपेलर लें, सीड लाएं, घर से तेल निकालें, क्या नुकसान है। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे कल इसी बारे में चर्चा भी कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि कोई ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन जो है कौन से वाली लेनी चाहिए, तो आपने एक दो रिकमेंडेशंस दी थी, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर जरूर करूंगा। पर हाँ वो डिपेंड करता है कि क्योंकि उसको भी इस्तेमाल करना कोई ऐसा है कि ठीक है उसके अंदर भी आपका थोड़ा वेस्टेज वगैरह तो होता ही होगा, तो डिपेंड करता है कि क्या हम इस तरह की मशीन घर पे लाके उसको यूज करें, या अगर हमें अच्छी क्वालिटी का बाहर से भी मिल जाता है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीजें ठीक है, लेकिन हाँ सही चीज लेना जो है बहुत ज्यादा, बाहर से तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आप एक्सपेलर ला सकते हैं और उसको यूज करना बहुत आसान है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप महीने में 2 दिन भी उसको यूज कर लेंगे, 2-4 घंटे, तो आपका पूरे महीने का तेल निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी आज तो हम ट्रांसफैट पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बडवी के दृष्टि से कि क्यों ट्रांसफैट खराब है, वो क्या करते हैं, अच्छे फैट से क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए क्या होता है सर, ये जो हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स फैट्स कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनते हैं, ये प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग इनकी होती है और वहाँ पे एक तरह का लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं।
तो क्या होता है सर, जो ये जो अच्छे फैट्स हैं, जो जिनमें डबल बॉन्ड बने हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैंड हुए हैं, तो बैंड होने से क्या होता है सर, दे बिकम मोर फ्लूट, स्लिपरी ऑयल्स तैयार होते हैं, स्लिपरी फैटी एसिड्स होते हैं। जितना ज्यादा फैट्स का अनसेचुरेशन होगा वो उतना ही स्लिपरी होगा, आप समझ रहे हो। उससे क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, इट्स मोर इलास्टिक, मोर फ्लूडिक फ्लूडिक, और उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर जाना है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को बाहर आना है, ऑक्सीजन को अंदर जाना है, ऑक्सीजन को जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें अगर सेल के अंदर प्रॉपर चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, सारे जो अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली होता रहेगा, तभी तो सेल हेल्दी रहेगा, आदमी निरोगी बनेगा, आदमी ज्यादा जिएगा, चिरंजीवी बनेगा। फिर जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेटरी बनते हैं, उसके लिए ये जरूरी होते हैं असेंशियल फैट्स, और ये अल्फा लिनोलेनिक, और ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये सारे उनके काम हैं। तो अगर जो है ऐसा नहीं होगा, और जब ट्रांस फैट से ही हमारी सेल मेम्ब्रेन बनेगी तो कैसी बनेगी, हार्ड होगी, न्यूट्रिएंट्स अंदर जा नहीं पा रहे, इंसुलिन जो है अंदर ही नहीं जा पा रहा, तो ग्लूकोज तो कैसे मेटाबोलाइज करेगा, आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, कैंसर डेवलप होगा। आप देखो, आप अलसी का तेल, अलसी और अच्छे फैट्स का जब यूज करेंगे तो फिर आपको हर जगह जो है आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा, आपकी स्किन पे इफेक्ट आ जाएगा, स्किन सॉफ्ट होगी, सेल सॉफ्ट होंगे तो स्किन सॉफ्ट होगी, बालों में चमक होगी, लस्टर होगी, हेल्दी हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका। बस इसमें सर तो यही है कि जो है हमें मतलब लोगों को रिपीटेडली ये बातें बतानी चाहिए ताकि उनकी हैबिट्स के अंदर ये चीज आए, जिस दिन उनके समझ में आ जाएगी उस दिन सब लोग जो है ट्रांसफैट का यूज बंद कर लेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि बाजार में कितनी खराब चीज मिल रही हो, अगर हमने सोच लिया कि हमें नहीं खरीदनी, हमें यूज नहीं करनी, कितने दिन शेल्फ में रखेंगे सर, दे हैव टू चेंज देमसेल्फ। उपभोक्ता को अपनी ताकत को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चीजों को जिस तरह से मार्केट में पेश किया जाता है एक्चुअली वो बहुत बड़ा कारण है कि हम घरों में ऐसी चीजें लेकर आ जाते हैं। हमें ये समझ लीजिए कि जिस तरह से मार्केट की जाती हैं चीजें, वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ही है एक तरह का, कि वो हमें ये लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है मार्केट में। और हम जो है, हालांकि इंग्रेडिएंट के अंदर कई बार अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीजें लिखी होती हैं, लेकिन हम ही उनको नजरअंदाज कर देते हैं और हम समझते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा ब्रांड है, ये तो बड़ी अच्छी पैकिंग है, इसने तो लिखा हुआ है कि फ्रूट्स और नट्स ही है इसके अंदर, और हम सब कुछ समझते गलत हैं कि लिखा होता ये हमारे लिए सबसे हेल्दी चीज है और हम उसको घर में लेके आ जाते हैं। तो ये आपने बड़ा ये सही पॉइंट बताया सर, कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर तो बाय डिजाइन एक्चुअली कई चीजें ऐसी परमिसेबल रहती हैं, और उसके ऊपर फिर कंपनी अगर लापरवाह है तो चीजों को और ज्यादा ऐसी गलत चीजों को उसके अंदर इस्तेमाल करती है, और यही से शुरुआत होती है कि हम कैसे जो है गुमराह हो जाते हैं एज ए कंज्यूमर, और हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।